सेनेट का जिमनी इलेक्शन, पीटीआई के शहजाद वसीम कामयाब। शहजाद वसीम ने 181 वोट लेकर मैदान मार लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसान 169 वोट ले सके। सेनेट इलेक्शन में कुल 351 वोट कास्ट किए गए, एक वोट मुस्तरद हुआ। ख्वाजा अहमद हसान को 3 इजाफी वोट मिल गए। पीटीआई अराकीन का जश्न। पंजाब के मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें करूंगा, पूरी सलाहियत के साथ अपना एजेंडा कामयाब कराएंगे। दो मुंतखब सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम, हमारे दो वोट बैरूने मुल्क हैं, एक वोट कैंसिल कर दिया गया। हम पुराने हुकूमत वाले ओछे हथ कंडे नहीं कर रहे। अब्दुल अलीम खान, दोनों रहनुमाओं की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर का राना मशहूद के बयान पर भी रद्द अमल, कहा इक्तदार जाने से सदमा हो जाता है। राना मशहूद को दिमागी तौर पर गर्मी लग गई। हमने अपनी तादाद से 3 वोट ज्यादा हासिल किए। पीटीआई के सफों में तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी। किसी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत के खात्मे का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेंबर पंजाब असेंबली समीउल्लाह खान की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। सेनेट इलेक्शन का मार्का, खातीन अराकीन की सज धज कर असेंबली आमद। कहीं मैचिंग हैंड बैग तो कहीं शोख रंग दुपट्टे, धूप से बचने के लिए काले चश्मे। राना मशहूद का मुतनाजा बयान, राना मशहूद की पार्टी रुकनियत मौतल कर दी गई। राना मशहूद से 3 रुकनी कमेटी बाजपुर्स करेगी। कमेटी में राजा जफरुल हक, अयाज सादिक और तनवीर हुसैन शामिल। 2 हफ्तों बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। मौतली का हुक्म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया। तर्जुमान नून लीग जो है ये पाकिस्तान की है और ये इस पर हम सब का हक है। अगर इस फौज से शहबाज शरीफ साहब ने मोहब्बत भरे अंदाज में अच्छे तल्लुकात बना लिए हैं और आपने कह दिया है तो आप कहें मैंने कहा। पहली बात है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ना मैंने ऐसी कोई बात की है, ना मैंने मेरा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिसने मेरा इंटरव्यू देखा है वो उस पर कमेंट करे। कभी डील की और ना करेंगे, राना मशहूद का अपने बयान पर यू टर्न। कहा मेरे बयान को घुमा फिरा कर पेश किया गया, सिर्फ ये कहा था कि जिन्हें घोड़े समझा गया वो खच्चर निकले। फौज हमारी है और इस पर हम सबका हक है। हुक्मरानों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। राना मशहूद के बयान पर लीगी रहनुमाओं की वजाहतों पर वजाहतें। हमजा शहबाज का राना मशहूद के बयान से इजहार लातालुकी, कहा डील की बातें गलत हैं, फ्रेंडली अपोजिशन हरगिज नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने डील करना होती तो उस वक्त करते जब जरूरत थी। झूठे दावे करना आसान, एक माह में ही हुकूमत का पोल खुल गया। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। राना मशहूद ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कयादत की मुशावरत से बयान दिया। एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फैजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नून लीग ने फौज को कमजोर करने की कोशिश की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की राना मशहूद के बयान पर कड़ी तनकीद। राना मशहूद के बयान से मुल्क को नुकसान हुआ। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। मॉडल टाउन, राणा सनाउल्ला के गिर्द घेरा तंग। साबिक सूबाई वजीर कानून के खिलाफ केस दोबारा खुलने का इम्कान। सानहे में 14 अफराद जां बहक हुए। राणा सनाउल्ला मास्टरमाइंड थे। साबिक सेक्रेटरी दाखला की मुखालफत के बावजूद ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। साबिक दौर में सूबे का हुलिया बिगाड़ा गया। आवाम ने वोट की ताकत से साबिक हुक्मरानों से हिसाब लिया। चौधरी परवेज इलाही, माजी में गलत तरजीहात की वजह से सूबे के आवाम को नुकसान किया गया। मनफी सियासत करने वालों को आवाम वोट की ताकत से मुस्तरद कर चुके। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नए चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की मुलाकात। तायुनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि करप्शन और अकरबा परवरी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मिशन क्लीन लाहौर, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। कब्जा माफिया ताकतवर, इंतजामिया कमजोर।
कैनाल रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए बगैर मुलतवी, मुतासरीन के नुमाइंदों और असिस्टेंट कमिश्नर की मुलाकात के बाद काबिजीन का दोबारा तायुन होगा। अहले इलाका की शदीद मुजाहमत पर पुलिस और इंतजामिया पीछे हट गई। सब्जाजार शेरा कोट में DGLDA की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी से ट्रक अड्डा के लिए मुख्तिस अराजी पर तामीरात मिसमार कर दी गई। 50 कैनाल 84 मरले अराजी में से 30 कैनाल वागुजार करा ली गई, दो प्लाजों को गिरा दिया। नए पाकिस्तान में गवर्नर हाउस के सामने का मंजर भी बदल गया। मरकजी दरवाजे के सामने कई दहाइयों से कायम रुकावटें हटा दी गई। 18 पुख्ता और 17 आर्जी रुकावटों को हटाया गया। रुकावटें हटाने का काम गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हदायत पर किया गया। खबरदार, मस्जिद वजीर खान और शाही कला में कूड़ा फेंकने वालों पर 100 रुपए जुर्माना आयद होगा। लाहौर हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर से अमल दरामद का हुक्म, सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। जुर्माना वसूली में मुश्किलात आई तो वार्डन से मदद लेंगे, जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। जिमनी इंतखाब के लिए बैलेट पेपर्स की छुपाई का काम मुकम्मल। लाहौर के चारों हलकों के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए। बैलेट पेपर्स की छुपाई का काम फौज और रेंजर्स की निगरानी में किया गया। एशियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के 2 रुकनी वक्त की सेशन कोर्ट आमद। वक्त के सेशन जज लाहौर और सीनियर सिविल जज से मुलाकात, गैर मुल्की वक्त को अदालतों में केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ICC वर्ल्ड कप 2019 की चमचमाती ट्रॉफी के शहर में रोनुमाई। ट्रॉफी को लाहौर टूरिज्म बस पर सैर कराई गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान बोले, बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फातह हो। और गर्मी के बाद शहर पर बादलों का साया है। एबट रोड, एयरपोर्ट, जोड़े पुल और कैंट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डिफेंस में झालाबारी भी हुई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया।